Hello everyone, welcome back. Today in this lecture we will learn about veterinary anesthesiology. The word anesthesia is a Greek word. It means absence of sensation. It was coined by Wendell Holmes. वो साइंटिस्ट ज़रूरत नहीं है उसको याद करने का, बट ठीक है. कुछ टर्म्स हैं जिसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे. ऐसे ये टर्म्स नहीं आते हैं बट फिर भी पता होना चाहिए हमें. लाइक फर्स्ट इज लोकल एनेस्थीसिया. तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड बॉडी एरिया. अनदर इज जनरल. जनरल एनेस्थीसिया इज कंप्लीट अनकॉन्सियसनेस. कंप्लीट अनकॉन्सियसनेस इज जनरल एनेस्थीसिया. कमिंग टू द एनाल्जेसिया. एनाल्जेसिया है, इट इज जस्ट अ रिलीफ फ्रॉम पेन. अनदर वर्ड इज ट्रैंक्विलाइजेशन. इट इज अ स्टेट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस होता क्या इसमें कि एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी इज रिलीव्ड या रिलीज्ड. इसमें एनिमल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा. एनिमल इज रिलैक्स्ड. बट इम्पोर्टेंट क्या है, एनिमल इज अवेयर ऑफ द सराउंडिंग. मीन्स एनिमल रिमेन्स अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. अनदर टर्म इज सिडेशन. सिडेशन इज CNS डिप्रेशन अलोंग विद ड्राउजीनेस और इसमें पेशेंट इज अनअवेयर of the surrounding. अगर हाईलाइट करने की बात करें तो इसमें एंग्जाइटी इज रिलीव्ड और एनिमल अवेयर होता है ना, रिमेन्स अवेयर, और इसमें अन अवेयर हो जाएगा. अन अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. Another term is narcosis. Narcosis is, it is a drug induced state of deep sleep. इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें एनाल्जेसिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको याद रखना है कि मे और मे नॉट बी accompanied with analgesia. It is just a drug induced deep sleep. Hypnosis. Hypnosis is a condition of artificially induced sleep. Another term is electro narcosis. What is electro narcosis? So it is also known as electro sleep.
या इलेक्ट्रो एनेस्थीसिया। स्टनिंग के जैसा है बिल्कुल, कि एप्लीकेशन करना है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेरेब्रम टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। अब इम्पोर्टेंट है ये है टेंस या TNS भी मिल जाएगा आपको, या कहीं TES भी मिल जाएगा, याद रखना है। इसका फुल फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ ट्रांस क्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये एक टाइप ऑफ लोकल एनल्जेसिया बोलते हैं इसको। होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस लो इंटेंसिटी बट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज प्रोवाइडेड या इन स्किन इज गिवन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन स्किन इज गिवन थ्रू सरफेस इलेक्ट्रोड्स। ये फिजियोथेरेपी वाले रखते हैं ये टेंस वाला मशीन, जिसमें सरफेस इलेक्ट्रोड्स को स्किन में टच करके, और लो इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये लो इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी है, और ये लोकल एनर्जीसिया प्रोवाइड करता है। अनदर टर्म इज एक्यूपंचर। व्हाट इज एक्यूपंचर? इट इज़ अ टाइप ऑफ चाइनीज CHI, क्या होता है, NESC है ना, या ENE, ठीक है। इट इज़ अ चाइनीज थेरेपी। इसमें होता क्या है कि लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग नीडल्स होते हैं, तो याद रखिए कि लॉन्ग नीडल्स आर यूज्ड टू इंड्यूस एनाल्जेसिया। ये एक्यू पंचर है, लंबे लंबे डील से पंचर कर करके एनाल्जेसिया प्रोवाइड करते हैं लोग। एनालेप्टिक, व्हाट इज एनालेप्टिक? तो इट इज नथिंग बट अ CNS स्टिमुलेंट। ये इम्पोर्टेंट है, CNS स्टिमुलेंट। एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल इज डॉक्सापराम, और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है निकेतामाइड। ये एनालेप्टिक है जो CNS स्टिमुलेंट होते हैं। अनदर टर्म इज मिक्स्ड एनेस्थीसिया। व्हाट इज मिक्स्ड एनेस्थीसिया? मिक्स्ड एनेस्थीसिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है कि कॉम्बिनेशन यूज करना है इसमें। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेटिक्स, और इट इज यूज टू अचीव हिप्नोसिस, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेंट। तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें हिप्नोसिस हो जाए, एनाल्जेसिया भी होना हो जाए, और मसल जो है ये रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी आ जाए। अगर ये कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स का अगर हो जाए जो इन तीनों चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो इस टाइप को मिक्स्ड एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ये जो तीन चीज़ हैं जो मैंने बताया अभी, हिप्नोसिस है ना, या फिर सिडेशन, जो भी कह लें आप, कि एक सिडेशन, एक एनाल्जेसिया और एक मसल रिलैक्सेंट, ये मसल रिलैक्सेशन है ना, इन तीनों को बोला जाता है एक साथ एनेस्थेटिक ट्रायड। तो किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट में ये तीनों प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक कहलाएगा।
अनदर टर्म इज बेसल एनेस्थीसिया, सो व्हाट इज बेसल एनेस्थीसिया, इट इज अ लाइट लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, लाइट लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, तो लाइट लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, और इसमें भी याद रखना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्री एनेस्थेटिक एजेंट, द नेक्स्ट इज डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में याद रखना है कि देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन, और ये लॉस ऑफ सेंसेशन होता क्यों है, तो इट इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सीएनएस, आईज जो होती है रिमेन ओपन, और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है नॉर्मल, ये याद रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ा जनरल कंसिडरेशन की, कि जनरल कंसिडरेशन क्या होती है एनेस्थेटिक एजेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट है बीएमआर, बीएमआर अगर हाई होगी है ना, तो एनेस्थीसिया की जो रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट ये भी बढ़ जाएगी। और बीएमआर की बात करें तो जो फैटी एनिमल होगा उसका बीएमआर कम होगा, और जो फीमेल होता है तो फीमेल्स हैव 50% लेसर बीएमआर देन मेल्स, तो उनमें भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ओके, अब जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ऐसा कोई नहीं पेपर मिलेगा जिसमें नहीं आया हो क्वेश्चन, वो है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया वाले पोर्शन से पक्का क्वेश्चन आता है, भले नौ ब्लॉक से आ जाए या किसी से भी आ जाए, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लोकल एनेस्थीसिया इट इज़ प्रेजेंट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, ये टिश्यू को पेनिट्रेट कर जाते हैं, दे पेनिट्रेट टिश्यू है ना, ठीक है। करते क्या है ये इंपॉर्टेंट है, दे ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स, और ये वोल्टेज गेटेड होते हैं, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगी सोडियम की, कहाँ, इनसाइड द सेल, अब नहीं हो पाएगी, तो इसके कारण से आपको पता होगा कि डीपोलराइजेशन बंद हो जाएगा, और जब डीपोलराइजेशन ही बंद हो जाएगा तो कोई इम्पल्स नहीं जनरेट हो पाएगा, तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। मेथड की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया के मेथड्स हैं, सबसे पहले है सरफेस, सरफेस को ही टॉपिकल भी बोलते हैं, तो ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड है। जैसे कि इसमें क्या होता है, 2% लिग्नोकेन जेली को यूज़ किया जाता है, इंट्यूबेशन करना है ना, या कैथेटराइजेशन करना है, तो ये टॉपिकल वाला यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज इनफिल्ट्रेशन, ये नीडल से हो जाएगा, ठीक है, और बहुत वेरियस फॉर्म्स हैं इसके, जैसे आपको पता होगा कि एल शेप या टी शेप्ड है ना, ये वेरियस वेरियस फॉर्म्स है, और भी इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे वेरियस नौ ब्लॉक्स में अलग अलग टाइप का, जिसमें जो यूज़ हो रहा होगा। इनफिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो अगला है फील्ड ब्लॉक, इसमें
ऐसे पेनिट्रेट करके और फैन के जैसा ऐसे 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 स्प्रेड कर दिया जाता है। तो इसमें बस ये याद रखना है कि फैन वाइज इंजेक्शन इज गिवन। ठीक है, अगला है इसी में रीजनल। तो रीजनल का एग्जांपल है एपिड्यूरल। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है उसमें भी लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे और उसे रीजनल एनेस्थीसिया अचीव किया जाता है। अगला नेक्स्ट इज इंट्रासाइनोवियल। इंट्रासाइनोवियल में क्या करते हैं कि जो साइनोवियल कैविटी है इसके अंदर क्या करेंगे, जो एनेस्थेटिक एजेंट है इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इंजेक्टेड टू साइनोवियल कैविटी, और वहाँ पे जाके इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। वेयर इट इज डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट इज IVRA। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये IVRA क्यों इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ इंट्रावेनस रीजनल ब्लॉक, है ना, एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया को इंट्रावेनस देना है, तो लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड वाया कैथेटर, वाया कैथेटर इनटू वेन। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई को क्या करेंगे, पहले टॉर्निक्वेट से बांध देंगे, है ना। तो ये याद रखना है कि आर्टेरियल ब्लड सप्लाई सप्लाई इज ब्लॉक्ड बाई टॉर्निक्वेट। इसको बांधना ज़रूरी है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लोकल एनेस्थीसिया को जनरली हमें नहीं देना चाहिए ये इंट्रावेनस, हार्ट तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। बट इस केस में IVRA के केस में क्या करते हैं, टॉर्निक्वेट से इतना ज़ोर से बांध देते हैं कि उसका सिस्टेमिक सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये दो तरह के हैं, एक है एस्टरलिंक्ड, ठीक है, और एक है अमाइड लिंक्ड। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा एस्टरलिंक्ड है कौन सा अमाइड लिंक्ड है, तो ये आपको एकदम अभी हाथों हाथ याद कर लेना है, एक सेकंड में याद हो जाएगा। जो एस्टरलिंक्ड होते हैं इसके बारे में याद रखना है कि ये पावा डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, और ये जो अमाइड लिंक्ड होते हैं ये कॉलीन डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, जो एस्टरलिंक्ड है ना, एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल इज प्रोकेन। ठीक है, जो अमाइड लिंक्ड है इसका एग्जाम्पल है लिग्नोकेन। अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि देखिए, ए है, ए इज अमाइड और एस्टर। जब बाद में, है ना, ये जो आई है इससे अपन को देखना है बार बार, ये आई अगर बाद में आए, मतलब इफ आई कम्स लेटर, तब ये मतलब तब ये एस्टरलिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आई पहले ही आ जाए, है ना, देखिए इस केस में है एल आई, है ना, ये केन वाला में यहाँ पे आ रहा है आई और यहाँ पे शुरुआत में आ जा रहा है आई, तो ये अमाइड लिंक्ड हो जाएगा। तो इस केस में आपको याद रखिए कि आई जो है वो कम्स अर्लियर। अब अर्लियर है तो याद रखना है कि ए जो होता है फर्स्ट लेटर है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इससे आपको इजली याद हो जाएगा कि आई
बाद में आएगा तो एस्टरलिंगड है, आई पहले आएगा तो आप दो तीन हैं इसको चेक कर लीजिए, जैसे कि प्रोकेन मैंने बता ही दिया, मेपिवेकेन है ना, या बुपिवेकेन है, इन सब में देख लीजिए। तो ये इसे बन जाता है, सारा सवाल बन जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में है प्रोकेन, ठीक है, बहुत यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, 30 से लेके 60 मिनट तक इसका यूज एक्शन रहता है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, तो प्रोकेन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग इससे थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहेगा, 90 to 240 मिनट तक इसका एक्शन है। एग्जाम्पल इज मेपिवेकिन, अनदर इज लिग्नोकेन, अनदर इज प्रीलोकेन। ठीक है, हाँ, इसके अगर बात करते हैं तो मेपिवेकेन के बारे में एक लाइन और याद रखना है कि इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इक्वाइन लेमनेस। ठीक है, ये याद रखना, इक्वाइन लेमनेस में होता क्या है कि अगर मेपिवेकेन का ना इंजेक्शन दे दिया जाता है तो इंजेक्शन के बाद एडिमा कम हो जाता है, ठीक है, एज आफ्टर इंजेक्शन एडिमा लेस एडिमा हो जाएगा, या इंजेक्शन के बाद एडिमा और एबसेंट ही हो जाता है। ठीक है, तो मेपिवेकेन है, लिग्नोकेन है, बस याद रखना है कि इक्वाइन लेमनेस को डायग्नोसिस में यूज होता है मेपिवेकेन। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग है नेक्स्ट। लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है बुपिवेकेन, अब बुपिवेकेन जो है ये मोस्ट पोटेंट है, मतलब मोस्ट पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक है ये, और जो लिग्नोकेन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, बस ये याद रखना है, 4x या 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन लिग्नोकेन। ओके, लिग्नोकेन से भी 4 गुना ज़्यादा है और बाकी सबसे तो मोस्ट पोटेंट तो है, ये याद रखना। अब एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, देयर आर मेनी ड्रग्स विच यू नो प्रोलोंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। सबसे नंबर वन पे याद रखना एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करेगा कि आसपास के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, उन सब में उन सबको रोक देगा, बहुत स्ट्रिक्ट कर देगा, है ना, जिसके कारण से ये डाइलेशन नहीं हो पाएगा और ये जल्दी से सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा, वहीं अटक के रह जाएगा, इसके कारण से ना ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है, तो ये सब याद रखना है। इसके अलावा दूसरा है हाइलोनिडेज है, ये कैसे करता है तो ये म्यूकोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, और ये लोकल एनेस्थीसिया जो भी है इसको ना इधर 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 चारों तरफ स्प्रेड करने का काम करेगा, है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हो जाता है, ये याद रखना है दोनों, कि एपिनेफ्रिन और हाइलुरोनिडेज दोनों कैसे काम करता है, ये स्प्रेड करने में काम करता है और वो उसको वहाँ पे रोक के रखता है। माइलिनेटेड और जो लार्जर डायमीटर के, अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीथ है ना, ऐसे अगर न्यूरॉन है या बहुत मोटे न्यूरॉन्स है ना, लार्ज डायमीटर हो जाए, तो दो कुछ दो वर्ड हैं,
एक है माइलिनेटेड और दूसरा है लार्ज डायमीटर। अगर ये ऐसे न्यूरॉन्स आ गए, ठीक है, या ऐसे नर्व फाइबर्स हैं, तो इंक्रीज हो जाता है जो लोकल एनेस्थेटिक का जो एक्शन है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब एस्टर हमने बात किया था अभी जस्ट कि एक एस्टर होता है एस्टर लिंक्ड और एक होता है अमाइड लिंक्ड, अमाइड लिंक्ड। इन दोनों को याद क्या रखना है कि जो एस्टर लिंक्ड होता है ना लोकल एनेस्थेटिक, ये डिग्रेड हो जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, और जो अमाइड लिंक्ड होता है ना ये डिग्रेड हो जाता है लीवर में। ठीक है, ये याद रखना। एक और लोकल एनेस्थेटिक है जिसका नाम देख के लगेगा कि ये लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, उसका नाम है डाईसाइक्लो NINE, है ना, डाईसाइक्लो नीन। ये है तो लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे ये है एंटी बैक्टीरियल और यह है एंटी फंगल। ये तीनों चीज़ याद रखना है। तो ये जनरली जो होता है डाईसाइक्लोनिन, ये जनरली ओरल सर्जरीज जो होती हैं उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है, इट इज़ जनरली यूज इन केस ऑफ ओरल सर्जरीज। अगर ओरल की बात कर लेते हैं तो ओरल में ना पुराने समय में पहले प्रोपोक्सी कैन, देख रहे हैं प्रोपोक्सी कैन, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें आई जो है वो बहुत बाद में आया है ना, तो बहुत बाद में, बुपिवैकेन मेपिवैकेन के जैसा पहले नहीं आया है, बाद में आया है ना, तो इससे आप समझ जाइए कि ये क्या है। प्रोपोक्सी कैन, ये क्या हो रहा था कि पहले पुराने टाइम में ये डेंटल सर्जरीज जो होती थी उनमें यूज़ होता था, मतलब ओल्ड लिख देता हूँ, पहले यूज होता था, लेकिन अब क्या यूज होता है डेंटल सर्जरीज में, तो अब लिडोकेन ही यूज होता है ना, लिडोकेन या लिग्नोकेन वही यूज होता है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लीजिए, जो प्रोकेन है, ये प्रोकेन जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल फिशियल है ना, फर्स्ट आर्टिफिशियल मेड लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक इनके बारे में बात हो गई। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्व ब्लॉक। ये इम्पोर्टेंट है, नर्व ब्लॉक जो होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक से ही होते हैं, तो हमें नर्व ब्लॉक्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो नर्व ब्लॉक है हम हेड रीजन से शुरू करते हैं। तो हेड रीजन में बहुत सारे नर्व ब्लॉक्स हैं, जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट इज लिंगुअल, जो लिंगुअल नर्व ब्लॉक है ये टंग सर्जरीज जो होगी इनमें यूज होगा, मैंडिबुलो जो मैंडिबुलो एल्वियोलर है ये मोलार इंसाइजर है ना, इंसाइजर टूथ या ये मोलार, इनके सर्जरीज में ये यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर वुंड हो जाए ऑन लोअर लिप तब भी ये किया जाएगा। नेक्स्ट इज मेंटल, जो मेंटल नर्व ब्लॉक है वो अगर अपर लिप पे हो जाए वुंड, तो वुंड ऑन अपर लिप एंड टीथ है ना, तो मेंटल नर्व ब्लॉक होता है। नेक्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल जो नर्व ब्लॉक है ये मेनली जो
टीथ एक्सट्रैक्शन करना हो तब इंसाइजर टीथ ऑफ कैनाइंस, या ट्रिफेनिंग करनी हो फेसियल साइनस, तब भी ये नर्व ब्लॉक किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट इज सुपरा ऑर्बिटल, जो सुपरा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक है ये अपर आईलिड जो है इसके ऊपर वाले मतलब जस्ट ऑपरेट किया जाता है, अपर आईलिड के जस्ट ऊपर यहाँ पे सुपरा ऑर्बिटल जो नर्व ब्लॉक है वो किया जाता है। तो ये भी आपको जो फ्रंटल साइनस हैं इसके ट्रिफेनिंग में किया जाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिलरी नर्व ब्लॉक, मैक्सिलरी नर्व ब्लॉक जो है ये अपर लिप, नोज, अपर जॉ, इन सब के सर्जरीज में परफॉर्म किया जाएगा। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब कोई इतना आँख बंद करके याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। हाँ जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आ सकता है कि ठीक है किसी एग्ज़ाम में कुछ पूछ लिया, या फिर जो अभी शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर अभी जस्ट इसी साल एग्ज़ाम देना है तो समय बहुत कम है, इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है हेड रीजन में वो है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा या यहीं से आना भी चाहिए। अगर केटल की बात करें तो ये हॉर्न रिमूवल में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है हॉर्न रिमूवल में कि अगर ये शीप गोट है तो हॉर्न रिमूवल के लिए कॉर्नुअल है ये तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉर्नुअल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल और इंफ्राटोक्लियर नर्व ब्लॉक, मतलब शीप और गोट के हॉर्न रिमूवल के लिए कॉर्नुअल से अकेले काम नहीं चलेगा, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है ना। इंफ्राटोक्लियर और कॉर्नुअल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल ये सब करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक के बारे में आ सकता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है ऑरिकुलो पाल्पेब्रल, ऑरिकुलो पाल्पेब्रल जो है ये आई के जनरल एग्जामिनेशन के लिए ये परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट इज रेट्रो बल्बर नर्व ब्लॉक, आईबॉल एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज पीटरसन, ये देखिए आईबॉल वाले जो तीनों अभी बताया ना ये सब इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई की सर्जरी जो ये कौन कौन सा करना पड़ेगा, तो याद रखना है कि बहुत सारा नर्व ब्लॉक है जो कि आई बॉल आई बॉल आई बॉल बहुत में कॉमन आएगा, तो सबको करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो 1 2 1 2 3 ओनली इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आई बहुत इम्पोर्टेंट है सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सर्जिकल अफेक्शन ऑफ आई पढ़ेंगे तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दो क्वेश्चन तो पक्का आई से आ ही जाते हैं। पीटरसन नर्व ब्लॉक, जो पीटरसन नर्व ब्लॉक है ये भी होता है आई बॉल आईलिड
एंड हॉर्न, ये तीनों में ही ये किया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में अभी इतना तक ही रहने देते हैं, और जो इसका रिमेनिंग है एनेस्थीसिया का, वो एक साथ एक लेक्चर में और आ जाएगा, और वो सुबह ही आ जाएगा, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। तो आप इसको फिनिश करें जल्दी से, और अगर ये सही लग रहा है लेक्चर, या कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है कि स्लो है या कुछ है, तो आप बता सकते हैं। और बाकी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।